सो वेरी वेलकम टू माई चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 68 बीपीएससी, ठीक है, उसका जो कट ऑफ है 68 बीपीएससी, ठीक है, 68 बीपीएससी पीटी का कट, ठीक है। देखिए ये कट ऑफ, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है, मेरा कुछ भी इसमें योगदान नहीं है, हमने कट ऑफ डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। ये आपका जो भी कट ऑफ है, आपका डिफरेंट टाइप के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका कट ऑफ है, उसी कट ऑफ जैसे इसमें हम मैंने इंक्लूड किया है कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, एक है आपका आस्था IAS, आपको पता है बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है दिल्ली बेस्ड। इसके बाद गुरु रहमान सर, सबको पता ही होगा, बहुत फेमस है, पटना से ही है। परफेक्शन IAS, अभी पटना में देखिएगा हर एक जगह इन्हीं का बोर्ड लगा हुआ है। इसके बाद आने हैं मिशन 50 IAS, रंजीत सर का है, रंजीत सर ये IAS ऑफिसर से। और एक है अड्डा 24/7, जो ये आपको कट ऑफ बताएंगे अड्डा 24/7 का बिहार, अड्डा 24/7 बिहार का, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो पीटी का रिजल्ट का डेट है उसके बारे में आपको थोड़ा अपडेट कर देंगे, तो आपको वीडियो को क्या करिए अच्छे से देखिए। और इसमें पहले ही डिस्क्लेमर है कि जो भी कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये मेरा कट ऑफ नहीं है, और न कि किसी चैनल के ऑफिशियली हम क्लेम कोई क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। हमने उनके जो वेबसाइट पे है उससे मैंने ये कट ऑफ लिया है, ठीक है। पहला है देखते हैं, ठीक है, पहला है आस्था IAS का, ठीक है, तो कट ऑफ बता रहे हैं ये है आपका आस्था IAS, इनका देखते हैं कट ऑफ कितने जा सकती है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कैटेगरीज वाइज, ठीक है, कैटेगरीज वाइज ये नहीं बताएं, ये जस्ट बताएं कि अगर जिनका भी नंबर 95 से, ठीक है, 95 से 97 है, जनरली हम ये बात कर रहे हैं UR और BC कैटेगरी का और मेल कैंडिडेट का, ठीक है, मेल कैंडिडेट का, जिस जिनका भी नंबर 95 से 97 के बीच में है उन लोगों का आप लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेंस दे रहे हैं, इतना ही कट ऑफ जाने के अनुमान, ये कह रहे हैं आस्थे वाले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आस्था IAS के अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ रहने वाली है UR, और इसमें EWS भी कंसिडर कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट का 95 से 97 के बिटवीन में रहेगा। इस बार देखिए पैटर्न क्या होता है एग्जाम्स का, देखिएगा इस बार 150 क्वेश्चंस तो पहले भी होती थी, इस बार जो पांच ऑप्शंस इस बार भी है ऐसे ABCD, D और E, लेकिन डी और ई ऑप्शंस में देखिएगा डी ऑप्शन था ऑल ऑफ द एवब, ठीक है, एवब, और नीचे वाला था नन ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन एड था, इसमें ऑल ऑफ एवब नहीं था, इसमें था मोर देन वन करेक्ट, ठीक है, एक से ज़्यादा, अगर ABC में से एक से ज़्यादा करेक्ट है तो आपको डी मारना था, अगर ए भी करेक्ट नहीं है तो आपको ई मारना था। और इसमें इस बार पहली बार हुआ है कि 1/4 निगेटिव है, ठीक है, 1/4 क्या निगेटिव है। और जब आप 67वीं का कट ऑफ देखिएगा, 67वीं में कट ऑफ UR का चला गया था आपका 113, ठीक है, और EWS और BC का था आपका 111, ये था मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए था आई थिंक 109 या 105, ठीक है, इस तरह से कट ऑफ बहुत हाई चला गया था 67वीं में, तो इस वजह से। और इस बार जो सीटें हैं टोटल वैकेंसीज है 324 के लिए है, और एग्जाम जो फॉर्म फिलअप किया था 4.5 लाख के आसपास, और एग्जाम में अपेयर हुआ है लगभग 70% स्टूडेंट, याद रखिएगा 70% इनफ, 67th में भी आपका 70% अपेयरिंग था उसमें एग्जाम्स में, याद रखिएगा ये बातें, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट, कोई भी एग्जाम्स नहीं था बिटवीन में, इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा अपेयर हुआ था। तो आस्था का कट ऑफ यही है, कैटेगरीज वाइज इन्होंने नहीं बताया है, जो भी कट ऑफ बताया ये बता रहे हैं कि अगर जिनका भी नंबर 95 से 97 है, जो आप UR कैटेगरी, BC हो या EWS मेल कैंडिडेट, डैट मीन्स वह इससे नीचे अगर आप मार्क्स हैं, अगर दूसरे कैटेगरी के हैं तो आप तो श्योर प्रिपरेशन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू आस्था चैनल वाले, ठीक है। अगला कट ऑफ देखते हैं, दूसरा है आपका, आस्था हो गया गुरु रहमान सर, इसके बाद है आपका गुरु रहमान सर का, पता ही है पटना का बहुत फेमस टीचर्स है, इनके अनुसार देखते हैं कट ऑफ कितने जाने वाली है, ठीक है। देखिए इनके अनुसार कट ऑफ
ठीक है, इनके अनुसार जो कट ऑफ जाने वाली है वह है आपका जनरल का जाएगा यूआर का, ठीक है, 90 से 95, यूआर का 90 से 95, यूआर का ये मेल कैंडिडेट का, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी सर बोले हैं कि अकॉर्डिंग टू दो नंबर सबको घटा लेने के लिए मेल कैंडिडेट के लिए, डेट मीन्स हुआ इस इनका हो जाएगा ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 88, 86 to 88, ये हो जाएगा 88 से 90, ठीक है, और ये हो जाएगा 84 से 86। तो इस तरह से तीनों का कटअप, चारों का कटअप हो गया, मीन्स यू आर मेल का जानने चाहिए 90 से 95, आपका ई डब्ल्यू एस का 86 से 88, बी सी मेल का 88 से 90, और ई बी सी मेल का जा रहा है आपका 84 to 86। ये है आपका किनके अनुसार, रहमान सर के अनुसार, और फीमेल कैंडिडेट में -4 कर लीजिए, सर के अकॉर्डिंग है कि हर एक कैटेगरीज में आपको फीमेल का निकालना है तो इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, -4 कर सकते हैं। डैट मीन्स अगर यू आर मेल फीमेल का कटअप देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 86 से 91, इस तरह से ई डब्ल्यू एस का 82 to 81, ठीक है, 82 से 84, आपका बी सी का चला जाएगा आपका 84 to 86, और आपका ई बी सी का चला जाएगा आपका 82 to 82। तो ये हो गया आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए, ये फीमेल यू आर, फीमेल बी सी सॉरी ई डब्ल्यू एस, फीमेल बी सी और फीमेल ई बी सी। तो आप लोग यहाँ से कटअप देख सकते हैं। तो ये किन का कटअप था, ये था आपका रामान सर का। जो अगला कटअप आपको बताने जा रहे हैं वो है परफेक्शन आई एस, किनका होगा, परफेक्शन आई एस का। तो देखिए परफेक्शन आई एस के अकॉर्डिंग कितनी कटअप जाने वाली है, ठीक है, इनके बाद किसका है, परफेक्शन आई एस का। तो परफेक्शन आई एस के अकॉर्डिंग जो कटअप जाने वाली है वो है जिनका भी स्कोर देखिएगा यू आर का, ठीक है, 90 से 95 से 100 के बीच में, 95 से 100 के बीच में अगर आप यू आर कैटेगरी ई डब्ल्यू एस और बी सी मेल तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मीन्स हुआ कि अगर आपके यू आर का 100 रहेगा तो आपका बी सी का जाएगा 97 और ई डब्ल्यू एस का 95। इनके अकॉर्डिंग ये है कटअप, ये है यू आर का, ये है आपका बी सी का, ये है ई डब्ल्यू एस का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आई एस परफेक्शन आई एस जो आपका कटअप जाने वाली है 95 से 100 के बिटवीन में, ठीक है, तो आप यू आर का देख सकते हैं 100 हो सकती है, 100 के प्लस माइनस 2 है, वैसे ही बी सी का प्लस माइनस 2, यहाँ पे 97 प्लस माइनस 2, ई डब्ल्यू एस का 95 प्लस माइनस 2। इन्होंने इसके बाद किसी का कैटेगरीज का कटअप नहीं बताया, ये बताया कि अगर देखिए अगर यू आर का कटअप 95 से 100 के बिटवीन में है बताए हैं तो बाकी कटअप क्या होगा। अगर आपका नंबर 100 है, ठीक है, 90 है, अगर आप ई डब्ल्यू एस फीमेल में आते हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कटअप। डैट मीन्स अगर जनरल का यू आर फीमेल, यू आर का जा रहा है 100 मार्क्स मेल कैंडिडेट के लिए, तो यू आर फीमेल का 4 नंबर कम कर दीजिए, 96 जाएंगे, मतलब यू आर फीमेल, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका डिक्रीज होते जाएगा सबका कटअप। तो ये किनका था, परफेक्शन आई एस, ठीक है। अगला जो कटअप है आपका वो होगा मिशन 50, ठीक है, रंजीत सर का कटअप, उनको भी देख लेते एक बार कितने कटअप जा सकती है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका किनका, मिशन 50 का। मिशन 50 अपना डिटेल से कटअप बताएं, इनका बता देते हैं थोड़ा कटअप पूरी डिटेल से, ठीक है। इनका है यू आर का, ठीक है, यू आर का कटअप आपको बता रहे हैं ये 95 से 100, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ई डब्ल्यू एस का, ई डब्ल्यू एस का कटअप बता रहे हैं 90 से 95। बात है आपका बीसी का कटअप, ठीक है, बीसी का कटअप बता रहे हैं 90 से 95। तो ये है अकॉर्डिंग टू आईएएस मिशन 50, ठीक है,
ये रंजीत सर का इंस्टीट्यूशन है। किनका है? रंजीत सर, रंजीत सर, रंजीत सर के अकॉर्डिंग आपका यूआर का जाने वाली है 95 से 100 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 90 से 95, एससी का 80 से 85, ईबीसी का 80 से 85 और बीसी का 90 से 95। ये आपका जितने भी कट ऑफ है आपका मेल कैंडिडेट का, अगर मेल का निकालने हो तो हर एक में आप माइनस 3 कर लीजिए तो हो जाएगा आपका वो फीमेल का कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ तक आप कितने बता दिए हम आपको? 4 कट ऑफ बता दिए। पहला आपका था आई एस आस्था, सेकेंड का आपका था गुरु रहमान सर का, तो इसी तरह से गुरु रहमान सर का हो गया। फिर आपको बताए हम परफेक्शन आई एस, परफेक्शन आई एस के बाद हो गया आपका मिशन 50। ठीक है, और लास्ट में आपको बचा हुआ है आपका अड्डा का। ठीक है, ये किनका है? अड्डा का है, अड्डा 24/7। देखिएगा ये अड्डा 24/7 ये है बिहार का। ठीक है, बिहार, बिहार अड्डा 24/7 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है यू आर का जाने वाला है आपका 90, जो आपको ये बता रहे हैं मेल कैंडिडेट फिर से। ठीक है, यू आर का 90, एस सी का 75, एस टी का है 80, एस टी का है 80, इसके बाद है ई बी सी, ई बी सी का है आपका 85 और बी सी का है आपका 88। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईडा 24/7 बिहार का है। यू आर का कितना जा रहे हैं? 90, एस सी का 75, एस टी का 80 और ई बी सी का 85, बी सी का 88। अकॉर्डिंग टू ये है अड्डा के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक दो और क्लासेस का आपको बता देते हैं जो मुझे आइडिया है थोड़ा उस क्लासेस के बारे में। एक क्लासेस का नाम है आपका एग्जाम पूर। ठीक है, एग्जाम पूर, ठीक है, एग्जाम पूर ये है आपका पटना ब्रांच का, उनके अनुसार एक कट ऑफ जारी किया गया है। उसमें कट ऑफ देखिएगा ये पूरे डिटेल से दिया है, यू आर ई डब्ल्यू एस, ठीक है, यू आर ई डब्ल्यू एस, इसके बाद आता है एस सी, जैसे आपका 60 मार्क्स रहता है उसे ही है, एस सी एस टी ई वी सी बी सी। ठीक है, ई वी सी बी सी, फिर कैटेगरीज वाइज दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेल और इधर हो जाएगा आपका फीमेल के लिए। ठीक है, सबके लिए अलग अलग दिया है, तो यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, ये हो गया आपका, देखिए आस्था के अकॉर्डिंग ये है एग्जामपुर के अकॉर्डिंग जो मेल कैंडिडेट का जाने वाला है वो है 98 से 103 के बिटवीन में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 93 से 98 के बिटवीन में, एससी का 80 से 83, 80 से 83, फिर एसटी का जाने वाली है 83 से 85, ईबीसी का 92 से 96 और लास्ट में आपका बीसी का है 94 से 99। ठीक है, 99, तो ये आपका कट ऑफ है किसका? ये पूरे कट ऑफ है मेल कैंडिडेट। फीमेल में देखिएगा तो फीमेल में आपका है यू आर का फीमेल 92 से 96। फिर आप देखिए ई डब्ल्यू एस फीमेल 88 से 92। एस सी फीमेल देखिएगा 77 से 80। एस टी फीमेल देखिएगा 79 से 82। आपका ई बी सी फीमेल 84 से 86। और इसके बाद है आपके बी सी फीमेल 88 से, ये हो जाएगा आपका 82। ठीक है, 80 से 82। ठीक है, बी सी फीमेल क्या है 80 से 82, ये एक्चुअली होना चाहिए 82 से 88। ठीक है, 82 से 88, तो ये आपका किसका है? एग्जामपुर का है। एग्जामपुर के अकॉर्डिंग देखिएगा यू आर का 90 से 98 से 103, ई डब्ल्यू एस का 93 से 98, एस सी का 80 से 83, एस टी का 83 से 85, ई बी सी का 90 से 98, बी सी का 94 से 99, फीमेल का देखिएगा 92 से 96, ये हो जाएगा 88 से 92, एस सी फीमेल 77 से 80, एस टी फीमेल 79 से 82, ई बी सी फीमेल 84 से 86, बी सी फीमेल 82 से 88। ठीक है, तो ये 86 से 88 होगा। इस तरह से ये कटअप है किसका? आपका एग्जाम बोर्ड के अनुसार। इसके बाद एक और कोचिंग है आपका, फेमस कोचिंग है, वो है
सनबिग क्लासेस, ठीक है, सनबिग क्लासेस, सनबिग क्लासेस ये पटने की है, पटना बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे है, पटना में। इनके अनुसार भी एक कट ऑफ निकाला गया है, ये भी कैटेगरीज वाइज निकाला है, जैसे ये निकाला है इस तरह से UR, EWS, BC, ठीक है, EBC, SC और ST, ठीक है, सबका कट ऑफ दिया हुआ है। इनके अनुसार आपका UR का कट ऑफ जाएगा 92 से 95, इसके बाद आपका EWS का कट ऑफ जा रहा है आपका 91 से 93, BC का कट ऑफ है आपका 91 से 93, EBC का कट ऑफ जा रहा है आपका 89 से 91, SC का कट ऑफ आपका जा रहा है 85 से 87 और ST का कट ऑफ है आपका 82 से 84 अकॉर्डिंग टू सबमिक क्लासेस पटना बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अनुसार ये सब जितने कट ऑफ है आपका ये मेल कैंडिडेट के लिए। तो इस तरह से आपका ये कट ऑफ था हर एक ब्रांच का, आपको 4-5-6 इंस्टीट्यूशन का बता दिए कट ऑफ, इसमें से आपका था गुरु रहमान सर भी, IAS अकेडमी, ठीक है, इस तरह से आपको हम सब बता दिए, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, ये सब्सक्राइब करिएगा इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे रिजल्ट के रिगार्डिंग है, आपको पता ही होगा BPSC वाला टोटल 12 क्वेश्चंस, 62 क्वेश्चंस के लिए 151 गया था एप्लीकेशन, उसमें से एक भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में फिर से आपका 36 एप्लीकेशन किया ऑब्जेक्शंस के लिए, उसमें से आपको 16 मार्च को बुलाया गया ऑफिस में, ठीक है। तो 16 मार्च आज ही था, आज ही बुलाया गया था BPSC ऑफिस, वहाँ पर जाकर अपना ऑब्जेक्शन देखना है। और जो ऑफिशियल कैलेंडर डेट है आपका PT रिजल्ट का 27 मार्च, ठीक है, 2023। इस बार थोड़ा PT के बाद मेंस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मेंस का जो ऑप्शनल पेपर था, ऑप्शनल पेपर उसके हटा के इस बार क्या कर दिया, SA पेपर कर दिया गया, ठीक है, SA जो 3 मार्क्स का था। पहले ये ऑप्शनल पेपर अकॉर्डिंग टू होता था, जिसको जो चॉइस करनी है, जैसे हमारा टेक्निकल था, टेक्निकल में 300 में आप इजिली 250+ स्कोर कर सकते थे, बट अब ऐसे पेपर में क्या होगा, सबके लिए बराबर हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक जिसका अच्छा अच्छा एग्जाम्स किया गया, जिनका भी स्कोर 95+ है, तो आप प्रिपरेशन यहाँ पे देखिए। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, ठीक है, एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, देखिए ये BPSC साइट है, इस पर सर्च करिए BPSC पे, BPSC, फिर जाइएगा BPSC पे, ठीक है, इसको हटाइए थोड़ा, एक BPSC पे गए, फिर आप इसमें क्या करिएगा, यहाँ पे सर्च करिएगा ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन हो गया, फिर ऑनलाइन सर्च करने के बाद यहाँ पे BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसको क्लिक करिएगा, इसको ओके कर दीजिएगा, यस, ये खोलने दीजिए थोड़ा, देखिए जैसे ही खोलिएगा ना इसको, यहाँ पे आपको दिखेगा लॉगिन लॉगआउट का, ठीक है, ये लॉगिन सब दिखेगा। तो आपको लॉगिन वॉगिन नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चेक करना है कि एवरेज बच्चा कितना स्कोर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पोल दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 68 CC EPT पोल, इसको क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिखेगा, ठीक है, क्या नंबर दिख रहा है इसको ध्यान से देखिए, टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा रहा है, 92.75 है, लेकिन ये किसका है, जनरल कैटेगरी UR का है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट अब तक जो इंटर किया अपना डाटा, टोटल कितना किया है, 18,968। तो देखिए जिनका भी नंबर आपका 95 से 100 के बिटवीन में है ना, इधर वो UR हो, BC हो, EWS हो, मेल कैंडिडेट के बोलिए, वो आराम से मेंस के लिए प्रिपरेशन कर दीजिए, चूँकि जो है 18,000 आदमी यही रिजल्ट देने वाला है। जैसे सीट है कितना, 324 को 10 कर दीजिए, कितना मैक्सिमम सेलेक्ट करेगा, 3240, ठीक है, 3240 से आदमी को सेलेक्ट होनी है टोटल, जो मेंस में आप दीजिएगा 3240 से आदमी, बहुत होगा तो इसमें से 2000 और ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 5000 स्टूडेंट ही शॉर्टलिस्ट होगा मेंस के लिए, जो मेंस लिखेंगे। तो उसमें से ये 18000 स्टूडेंट यहाँ पे है, डैट मीन्स हुआ आपका कट ऑफ मिनिमम मान लीजिए 92 रहेगा, ठीक है, मतलब 92 से आपका कट ऑफ
ज्यादा ही ज्यादा, इससे कम कट ऑफ नहीं जा रहे थे। इसलिए जिनका भी नंबर 95, देखिएगा नंबर भी यहाँ पे देखिए 18,000 है, 18,000 से देखिएगा इसमें 18,000 से लेके आपका 12,000 तक होगा, 92 से लेके 94 तक का मार्क्स, उसके बाद कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जिनका भी नंबर 95 से 100 के बीच में है, आराम से वुमेंस लिखिएगा, आराम से पढ़िए, ठीक है। यही एक अपडेट था आज का। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।